मित्रों, भगवान श्री कृष्ण ने बताया कुत्ते को एक टुकड़ा रोटी खिलाने से क्या फायदा होता है। आप लोग नहीं जानते होंगे मित्रों, एक बार की बात है, भगवान श्री कृष्ण स्वर्ण से बनी हुई सिंहासन पर विराजमान थे। तभी द्रौपदी उनके दरबार में पहुंच जाती हैं और कहती है, हे प्रभु, आप संसार की हर कीमती बातों को जानते हो, आप ही मनुष्यों के दुख हरता हो तथा आप ही संसार के कल्याणकारी हो, तो हे प्रभु, मैं आपसे एक प्रश्न जानना चाहती हूँ। तभी भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे देवी द्रौपदी, आपके मन में जो भी प्रश्न है आप निसंकोच होकर पूछ लीजिए, हम आपके प्रश्नों के उत्तर अवश्य ही देंगे। तभी द्रौपदी कहती हैं, हे प्रभु, मैं यह जानना चाहती हूँ कि कुत्ते को एक टुकड़ा रोटी खिलाने से मनुष्यों को कौन सा फल मिलता है। तभी भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे देवी द्रौपदी, कुत्ते के बारे में तो आपको भली भांति ज्ञान है, आप ही ने कुत्ते को श्राप दिया था। मित्रों, आगे द्रौपदी कहती है, हे प्रभु, हाँ, मैंने कुत्तों को श्राप अवश्य दिया था, परंतु हे प्रभु, आप बताने का कृपा करिए। आगे भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, देवी द्रौपदी, कुत्ते को एक टुकड़ा रोटी खिलाने से मनुष्य को 8 फायदे होते हैं, तथा जो भी मनुष्य इन फायदों के बारे में जान जाता है उसका जीवन धन्य हो जाता है और उसके जीवन में कभी दुखों का पहाड़ नहीं टूटता है। जो भी मनुष्य पृथ्वी लोक पर कुत्ते को एक टुकड़ा रोटी खिलाता है उसे यह 8 फायदे आवश्यक होते हैं और वह जीवन भर दुखी नहीं रहता है। उसे मृत्यु के बाद मोक्ष की प्राप्ति शीघ्र होती है। तो वह कौन से 8 बातें हैं? मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे देवी द्रौपदी, अक्सर मनुष्य कई मौके पर कुत्ते का नाम लिया करते हैं। किसी को गाली देते हैं तो जुबान पर उनके कुत्ते का नाम आता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे देवी, वह मनुष्य गाली आदमी को देते हैं पर नाम कुत्ते का बदनाम होता है, तो क्या कुत्ते का जीवन इतना गया गुजरा है? मित्रों, आगे भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे देवी, एक लाल रंग का कुत्ता था। वह बहुत ही लाचार था और भूखा प्यासा था। वह गांव में सभी के घर घर जाता है, किंतु उसे कोई भी एक टुकड़ा रोटी नहीं देता है। वह भूख के मारा इधर उधर छटपटा रहता है। तभी घूमते घूमते एक दिन वह नदी के किनारे एक ब्राह्मण के आश्रम के पास पहुँच जाता है। तभी ब्राह्मण से कहता है, हे ब्राह्मण देव, हमें लगता है आप बहुत ही विद्वान तथा ज्ञानी ब्राह्मण हैं। मैं भूख प्यास से बहुत व्याकुल हूँ, कृपया करके आप हमें एक टुकड़ा रोटी दे देते तो हम खाकर अपनी भूख को शांत कर लेते। तभी वह ब्राह्मण कहता है, हे स्वान, क्या तुम्हें गांव में एक टुकड़ा रोटी कोई नहीं दिया जिसे तुम खाकर अपनी भूख मिटा सको? मित्रों, आगे भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे देवी द्रौपदी, वह कुत्ता ब्राह्मण से कहता है, हे ब्राह्मण देव, मैं आपको क्या बताऊं, आप मेरी बातों पर यकीन नहीं करोगे। तभी वह ब्राह्मण कहता है, हे स्वर्ण, तुम बताओ, तुम्हारी बातों पर हम विश्वास अवश्य करेंगे, हमें तुम बहुत ही लाचार दिखाई पड़ते हो। तभी वह कुत्ता कहता है, ठीक है ब्राह्मण देव, हम तुम्हें अपनी बीती बातें बताते हैं। मित्रों, आगे भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, है देवी द्रौपदी, वह कुत्ता ब्राह्मण से कहता है, हे ब्राह्मण देव, दुनिया के लोग हम पर रहम कोई नहीं करता, हमारा कोई घर नहीं होता, कोई आसरा नहीं होता, कमा के खाना हमें नहीं आता, हमें वस्त्र भी पहनने का ज्ञान नहीं है, इसीलिए सर्दी गर्मी बरसात में हम ऐसे ही घूमते रहते हैं, हमें पढ़ना लिखना नहीं आता। मित्रों, आगे भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे देवी द्रौपदी, वह कुत्ता कहता है, हे ब्राह्मण देव, आपकी तरह हमें अनुशासन नहीं आता, हमें आपकी तरह बोलना नहीं आता, यह हमारा दुर्भाग्य ही समझिए, पर हमें आपकी तरह भूख भी लगती, चोट लगने पर हमें आपकी तरह पीड़ा भी होती है, हमें आपकी तरह रोना भी आता है, बस इन्हीं 3 कामों में हम आपकी बराबरी करते हैं, इसीलिए हम पर दया दिखाइए, हमें और कष्ट मत दीजिए, ईश्वर ने तो हमें वैसे भी कष्ट देकर ही भेजा है, ऊपर से आप लोग हमें परेशान करते हैं, हम आपकी तरह मनुष्य नहीं हैं, हम पराधीन जीव हैं। जब हमारा जन्म हुआ उस समय हमारे आँख कान बंद थे, कह नहीं सकते कि उस समय आपके जन्म पर जैसे नाच गान होता है, बाजे बजते हैं, खुशी मनाई जाती है, हमारे जन्म पर भी यह सब हुआ होगा, हमारे जन्म पर किसी ने खुशी मनाई होगी। हम जिस बिछौना पर थे वह रुई की भान नरम तो था, सर्दी बिल्कुल नहीं लगती थी। मैं मन में सोच रहा था कि किसी बड़े घर में पैदा हुआ हूँ,
लेकिन जब हमारी आँख खुली तो मैंने देखा कि हमारी माँ, जिसे आप लोग कुतिया बोलते हो, वह अपने चार बच्चों को छाती से चिपटाकर एक भार की राख में पड़ी थी। हम चार भाई थे, बाकी तीन भाई तो सफेद और भूरे रंग के थे। मैं अकेला लाल रंग का था, सबसे छोटा मैं ही था, इसीलिए कमजोर भी था। मेरी माँ हम लोगों के पास जब तब आती थी, क्योंकि उसे भी अपने भोजन की व्यवस्था करनी पड़ती थी। यदि वह ना खाती तो हमें दूध कहाँ से पिलाती। उस एक माँ पर हम चार निर्भर थे। वह बेचारी अपने भोजन के लिए इधर उधर दौड़ती रहती थी। कभी भोजन मिल भी जाता था, कभी नहीं मिलता था, लेकिन वह हमेशा हम चार का बड़ा ख्याल रखती थी। आखिर माँ जो थी, वह रात रात भर जागकर गांव की रखवाली करती थी। मजाल नहीं था कि कोई अनजान आदमी बुरी नीयत से गांव की ओर भी झांक जाए। दूसरे गांव के कुत्ते भी हमारी माँ के डर से गांव में नहीं आते थे। गांव के किसी किसान के खेत में कोई खड़ी फसल खाने आती तो हमारी माँ उसे दौड़ाकर भगा देती। गांव वालों के लिए इतना सब करने के बाद भी कभी कोई भी हमारी माँ को भोजन नहीं देता था। उसके लिए उसे मजबूर होकर छीना झपटी करनी पड़ती थी। कई बार तो लोग उसे लाठी डंडों से पीटकर भगा देते थे। बेचारी उस दिन भूखी रहकर पेट की आग से जलती रहती थी। मित्रों, आगे भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे देवी द्रौपदी, वह कुत्ता कहता है, हे ब्राह्मण देव, आखिर भूख तो हमें आपके ही तरह लगती है। ऊपर से उसे अपने चारों बच्चों की चिंता भी लगी रहती थी। आखिर माँ जो थी, जब भूख उसे चैन से बैठने नहीं देती और गांव वालों का भी उसे देखकर हृदय नहीं पसीजता तो बेबस होकर के उसे लोगों के घरों में चोरी से घुसना पड़ता था, और खाने की कोई चीज मिल जाती तो उसे खाकर अपने पेट की आग बुझा लेती। कई बार तो लोग उसे खाने की वस्तु ले जाते देखते तो लाठी डंडे लेकर उसके पीछे पड़ जाते। कुछ निर्दय लोग तो कई बार उसे घर के अंदर बंद करके पीटते थे, हमारी माँ का बुरा हाल कर देते थे। मित्रों, फिर वह कुत्ता ब्राह्मण से कहता है, हे ब्राह्मण देव, हमारी माँ ने क्या बिगाड़ा था। उसने सिर्फ अपने पेट के लिए भोजन ही तो चुराया था। चोरी करने का हमें कोई शौक नहीं है, पर पापी पेट हमें यह सब करने के लिए मजबूर कर देता है। एक दिन की बात है, बड़ी ठंडी बरसात हुई, ओले पड़े थे, ठंडी हवा चल रही थी। उस ठंड में ठिठुर कर हमारे दो भाई मर गए। उस दिन हमारी माँ बहुत रोई, लेकिन मनुष्य हमारी पीड़ा क्यों समझेगा, उसके बच्चे थोड़े ही मरे थे। मित्रों, फिर वह कुत्ता कहता है, हे ब्राह्मण देव, अब हम सिर्फ दो भाई रह गए थे। हमारी माँ हम दोनों की अच्छे से देखभाल करने लगी थी। एक दिन उसी गांव में एक सेठ के घर पर दावत चल रही थी और पुड़िया बन रही थी। सेठ के घर काफी मेहमान आए हुए थे। हमारी माँ कुछ खाने की तलाश में बार बार उधर जाती, लेकिन लोग उसे दुत्कार कर भगा देते। किसी को उस पर इतना तरस नहीं आया कि एक पूरी उस बेचारी को खाने को फेंक दे देते। एक पूरी से उनका क्या बिगड़ जाता। मेरी माँ ललचा ललचा कर जाती और वहीं खड़ी खड़ी देखती रहती। मित्रों, सेठ के आंगन में दावत खाने का सिलसिला चालू हुआ। भोजन परोसा जाने लगा, मेरी माँ भी वहीं जाकर पूछ हिलाने लगी। खाना परोसने वाला आदमी जब किसी काम से भीतर गया तो मेरी माँ दबे पाँव पूरी लेने को चल पड़ी। फिर धत धत की आवाज होने लगी चारों ओर से, लो चिल्ला चिल्ला कर यहाँ से भागो। मेरी माँ वह चीख पुकार सुनकर घबरा गई। दो तीन आदमी डंडे लेकर उसके पीछे बड़ी बेरहमी से दौड़े। मेरी माँ वहाँ से घबरा कर भागी, मगर उसे वहाँ से निकलने का कोई रास्ता नहीं मिला, क्योंकि सामने से लोग डंडे लेकर आ रहे थे। तभी मेरी माँ वहाँ पर जो लोग भोजन कर रहे थे उनको छलांग लगाकर निकल गई। मित्रों, आगे वह कुत्ता कहता है, हे ब्राह्मण देव, मेरी माँ अपने निकलने पर इतनी हैरान नहीं थी जितनी कि उन लोगों को देखकर हुई थी जो वहाँ पर दावत खा रहे थे। वे सब उठकर खड़े हो गए। उन्होंने भोजन करना छोड़ दिया और कहने लगे कि कुत्ते के छलांग लगाने के कारण भोजन भ्रष्ट हो गया है। सब एक दूसरे से विचार कर रहे थे कि अब क्या किया जाए, खाना तो सब खराब हो गया। बेचारा वह सेठ फूट फूट कर रोने लगा। कुछ लोग तो यह भी कह रहे थे, भाई कुतिया के छलांग लगाने से भोजन खराब कैसे हो गया, उसने खाने में या पतलों में मुंह थोड़ी ही डाला है, सिर्फ ऊपर से निकल ही तो गई है
और कहने लगे, शहरों में तो लोग कुत्ते को पालकर घर के अंदर सुलाते भी हैं और खिलाते भी हैं, तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है। अगर कुटिया नाग गई है तो भोजन खराब नहीं हुआ है। लेकिन उनमें कुछ लोग बड़े घरों से ताल्लुक रखते थे, उन्होंने एक भी नहीं चलने दी। कह रहे थे कि भोजन तो भ्रष्ट हो गया, यह हमारे खाने के लायक नहीं है। आखिरकार उन्हीं की बात मानी गई। अब तो वह सारा भोजन गरीबों में बांट दिया गया। उस दिन तो मेरी माँ को खूब पेट भर के खाना मिला था। ऐसा सुख उसने जीवन में कभी नहीं पाया था, लेकिन वह सुख उसके लिए बड़ी मुसीबत बन गया। वह भोजन करके वहाँ आराम से लेटी थी, लेकिन उतने में वह सेठ डंडा लेकर वहाँ आ पहुँचा और उसे बुरी तरह से पीटने लगा। उसे बाहर से भागने का भी कोई अवसर नहीं मिल पाया। डंडों की चोट से वह बुरी तरह चिल्लाने लगी। माँ का विलाप सुनकर पत्थर भी पसीज जाता, पर उस निर्दय को उस पर जरा भी रहम नहीं आया। वह उसे कठोरता पूर्वक पीटता रहा। माँ का वह आह का शोर पूरे गांव में सुनाई दे रहा था। तब कुछ लोग आए और उसे समझाकर बोले, भाई जाने दो, भूख में तो आदमी की भी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। वह तो एक पशु है, उसे अच्छे बुरे का क्या ज्ञान। अब उसे मारकर आपको क्या मिलेगा, जो होना था सो हो गया। लोगों के समझाने के बाद उसने हमारी माँ को पीटना बंद किया। माँ ने आकर सारी कहानी हम दोनों भाइयों को सुनाई। हमने सोचा कि कितना कष्ट भरा है हम कुत्तों का जीवन। आदमी एक रोटी के टुकड़े के बदले एक चोर की जितना पीटता है, धिक्कार है ऐसे लोगों पर जो हम लोगों की पीड़ा को नहीं समझते। मित्रों, आगे भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे देवी, वह कुत्ता कहता है, हे ब्राह्मण देव, एक दिन की बात है, एक बाहर का मुसाफिर आकर ठहरा हुआ था। उसने अपने भोजन के लिए एक जगह चूल्हा बनाया था और उस पर दाल बनने के लिए रख दी। उसके बाद आटा गूंद कर रख दिया। वह वहीं पास में कुएं पर पानी लेने चला गया। इधर कहीं से मेरी माँ भी घूमती हुई वहीं पहुँच गई। उसने ने गुथे हुए आटे को रखा देखा तो सोचा कि शायद इस आटे का कोई मालिक नहीं है। यही सोचकर वह उस आटे को खाने लगी। उधर राहगीर ने कुएं के पास से देखा कि उसका आटा एक कुतिया ने आकर खा लिया है, तो वह बड़ा दुखी हुआ। वह बेचारा माथे पर हाथ धर कर रोने लगा, क्योंकि वह भी दो तीन दिनों का भूखा और थका हुआ था। कुछ लोगों ने उसे कहा, अरे भाई, इसने तुम्हारा भी आटा बिगाड़ दिया, कल तो इसने सेठ की पूरी रसोई ही बिगाड़ कर रख दी। मुसाफिर दुखी होता हुआ बोला, भाई मुझे क्या मालूम था, यह दुष्ट कुतिया मेरे आटे को खाने के लिए घात लगाए बैठी है। मुसाफिर ने आ देखा ना, ताव लाठी लेकर कुतिया के ऊपर टूट पड़ा। माँ उस आटे को ठीक से खा भी नहीं पाई थी, पर उससे ज्यादा की उस पर लाठी बरस गई। महीनों तक मेरी माँ लगड़ाती हुई घूमती रही। तब उस दिन समझ में आया कि आदमी कितना खुदगर्ज है। हम उसका कोई कार्य करते हैं तो भी वह हमें नहीं समझता। मित्रों, आगे वह कुत्ता कहता है, हे ब्राह्मण देव, हमारी कमी यह है कि हम उन्हीं मतलबी इंसानों के अधीन रहना चाहते हैं, जो हमें कष्ट देता है, जो हमें प्यार से खिलाता है। हम उसके कितने काम आते हैं यह उन्हें नहीं पता। उसके घर की रखवाली तो करते ही हैं, साथ ही साथ और भी बहुत सारे लाभ हैं, जिन्हें मनुष्य नहीं जानता। आगे भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे देवी द्रौपदी, यदि मनुष्य कुत्ते को रोटी खिलाने के फायदे जान जाए तो बहुत से अपने जीवन में होने वाले नुकसान से बच सकता है। आज मैं आपको बताऊंगा कुत्ते को रोटी खिलाने के 8 फायदे। मनुष्य को पता नहीं है कि जब भी घर में रोटी बनाई जाती है तो सबसे पहली रोटी गौ माता की होती है और पिछली रोटी कुत्ते की होती है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे देवी, ऐसा ही हमने विधान बनाया था, लेकिन भगवान की बनाए उस विधान को भूलकर मनुष्य अगली और पिछली रोटी स्वयं ही खा जाता है। इसका प्रभाव उसके जीवन पर बहुत बुरा पड़ता है। कुत्ता वह प्राणी है जिसको रोटी खिलाने से मनुष्यों के जीवन में पड़ने वाले ग्रहों के दोष भी दूर हो जाते हैं। मित्रों, फिर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे देवी, पहला फायदा है कुत्ते को रोटी खिलाने का। कुत्ते को रोटी खिलाने से शनि का नकारात्मक प्रभाव कम हो जाता है। शनि ग्रह जब अपनी कुदृष्टि डालता है तो हर मनुष्य बर्बाद हो जाता है। जिस व्यक्ति पर उनकी महादशा का आरंभ हो जाता है तो बने बनाए काम अपने आप बिगड़ने लगते हैं। वह आर्थिक तंगी का शिकार हो जाता है।
उस स्थिति में व्यक्ति यदि कुत्ते को रोटी खिलाता है तो उस पर क्षण का कुप्रभाव बहुत कम हो जाता है। मित्रों, नंबर दो, दूसरा फायदा है कि कुत्ते को रोटी खिलाने से भाग्य आपके पक्ष में हो जाता है। आपके घर के अंदर नकारात्मक शक्ति नष्ट हो जाती है। नंबर तीन, कुत्ते को रोटी खिलाने से माता लक्ष्मी प्रसन्न हो जाती है और आपके घर में धन दौलत की कभी कमी नहीं रहती। नंबर चार, कुत्ते को रोटी खिलाने से आपके ऊपर कर्ज नहीं चढ़ता और जो पहले से आप कर्जदार हैं उससे भी मुक्ति मिल जाती है। नंबर पांचवा फायदा है, कुत्ते को सुबह शाम भोजन देने से आपका व्यापार बहुत अच्छे से चलता है। नंबर छह, कुत्ते को रोटी देने से आपकी आयु में वृद्धि होती है और अटका हुआ धन वापस मिल जाता है। नंबर सात, कुत्ते को रोटी देने से हमेशा आपका स्वास्थ्य अच्छा बना रहता है और मानसिक रूप से आप मजबूत रहते हैं, मन ऊर्जावान रहता है, अच्छे विचार आपके मन के अंदर आते हैं। नंबर आठ, कुत्ते को रोटी खिलाने से भगवान प्रसन्न रहते हैं क्योंकि भगवान को समस्त जीवों की, समस्त प्राणियों की चिंता रहती है और जो समस्त जीवों पर दया दिखाता है भगवान भी उस मनुष्य से हमेशा प्रसन्न रहते हैं। भगवान की कृपा सदैव उस परिवार पर बनी रहती है। मित्रों, आप लोगों ने अक्सर अपने बड़े बुजुर्गों से सुना होगा, कहते हैं कि जब कुत्ता रोता है तो अपशगुन होता है, कोई संकट आता है, किसी की मृत्यु होती है, इसलिए कुत्ते को कभी रुलाना नहीं चाहिए। मित्रों, इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण ने देवी द्रौपदी को बताया है कुत्ते को रोटी खिलाने के फायदे। तो अगर यह कथा आप लोगों को पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए। धन्यवाद।